दोस्तों इंटरव्यू प्रिपरेशन राइटिंग करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आइए हाँ दोस्तों फाइनली फोकस करते हैं रिज्यूमे पर और सीखते हैं कि, कि किस तरीके से फ्रेशर कैंडिडेट्स कस्टमर केयर एग्जेक्टिव प्रोफाइल के लिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं रिज्यूमे के टॉप पर आप मेंशन कर सकते हैं अपना नाम उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन अपना मोबाइल नंबर अपना ईमेल आईडी और अपने लिंगड इन प्रोफाइल का लिंक link. दोस्तों लिंकड इन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है और हर एक कैंडिडेट को अपना लिंक इन प्रोफाइल जरूर बनाना चाहिए क्योंकि दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स लिंकड के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं दुनिया भर के एच और रिक्रूटर लिंकड के थ्रू कैंडिडेट्स की हायरिंग भी करते हैं तो अगर आप अपने रिज्यूमर में अपने लिंकड प्रोफाइल का लिंक मैंशन करते हैं तो चांसेस बनते हैं कि कंपनी का एच या रिक्रूटर आपका प्रोफाइल विजिट करे और अगर आपका प्रोफाइल बहुत इंप्रेसिव बना हुआ है तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है कई बार आपका रिज्यूमे शॉर्ट हो जाता है कई बार आपको बेहतर कंपनी में इंटरव्यू का मौका भी मिलता है तो हमेशा याद रखें कि अपने रिज्यूमे में अपने लिंग प्रोफाइल का लिंक जरूर मैंशन करें आई आप फोकस करते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव पर जो कि कुछ इस प्रकार है लुकिंग फॉर अ पोजिशन ऑफ कस्टमर केयर एक्जेक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन इंप्लीमेंट माई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड इंटरपर्सनल स्किल्स फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर क्वेरीज एंड ऑफरिंग एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस दोस्तों यहां पर इसका अर्थ है कि कैंडिडेट एक ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर केयर एग्जेक्टिव की जॉब ढूंढ रहा है जहां पर वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कौशल और इंटरपर्सनल स्किल्स का उपयोग कस्टमर की समस्याओं को सुलझाने में और कस्टमर्स को एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने में कर सके तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अगर आप कस्टमर केयर एग्जेक्टिव की प्रोफाइल के लिए अपना रिज्यूमे बना रहे हैं तो दोस्तों अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी पर तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी को सही तरीके से लिख के अपने रिज्यूमे को बेहद प्रोफेशनल बना सकते हैं कैसे आइए देखते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने मैंशन किया है कि उसके पास में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन स्किल्स हैं दूसरे पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि उसको फंडामेंटल नॉलेज है कि इनबाउंड uh, और आउटबाउंड कस्टमर सर्विस क्या होती है थर्ड पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि उसके पास में एबिलिटी है मतलब योग्यता है कि वो कस्टमर की क्वेरीज को रिजोल्व कर सकता है फ़ोन और ई के माध्यम से उसके बाद है कि उसने मेंशन किया है कि उसके पास में एक्सेलेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं मतलब कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने की और अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करने की भी योग्यता उसमें है नेक्स्ट पॉइंट में उसने किया है कि एबिलिटी टू बिल्ड रैपिड विद कस्टमर एंड मेंटेन कस्टमर डेटा मतलब वो कस्टमर्स के साथ में अच्छी रिलेशनशिप बना सकता है और उनका डेटा भी मेंटेन कर सकता है लास्ट बट नॉट द लीस उसने लिखा है एबिलिटी टू मैनेज अपसेट कस्टमर्स इन चैलेंजिंग सिचुएशन मतलब उसमें यह भी योग्यता है कि जो कस्टमर अपसेट होते हैं नाराज होते हैं गुस्से में होते हैं उनको भी वो हैंडल कर सकता है मैनेज कर सकता है और अपने काम में आने वाली चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना कर सकता है तो अगर आप इस प्रोफाइल समरी को गौर से देखें तो ये सारे पॉइंट्स एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जॉब रोल में कहीं ना कहीं आते हैं और अगर आप इस तरीके से प्रोफाइल समरी में पॉइंट मेंशन करते हैं तो आपका रिज्यूमे बेहद इंप्रेसिव बन जाता है यहाँ पर मैं एक टिप आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन है तो उससे रिलेटेड भी कुछ फाइन पॉइंट्स आप अपनी प्रोफाइल समरी में लिख सकते हैं जिससे आपका रिज्यूमे बेहद प्रोफेशनल बन जाएगा और कोई भी एचआर या कोई भी रिक्रूटर अगर आपके रिज्यूमे को देखेगा तो अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी आपका रिज्यूमे उनको बेहद इंप्रेस करेगा तो इस तरीके से प्रोफाइल समरी को लिख के आप अपने रिज्यूमे को बेहद इंप्रेसिव बना सकते हैं आइए हाँ दोस्तों फोकस करते हैं कैंडिडेट की एडुकेशनल क्वालिफिकेशन पे तो आप देख सकते हैं यहां पर टॉप पे लिखा गया है कि कैंडिडेट ने बीए किया है इंग्लिश में 2021 में उसके बाद देखिए मेंशन किया गया है कि उसने ट्वेल्थ किया था 2018 में और मेंशन किया गया है कि उसने अपना हाई स्कूल किया था 2016 में अगर आप गौर से देखेंगे तो इस इन्फॉर्मेशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है जो सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो तो सबसे पहले आती है तो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बी सबसे पहले मैंशन किया गया है जो कि दो में है और सबसे अंतिम में मैंशन में किया गया है दो तो इस तरीके से आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बाद फोकस करते हैं कैंडिडेट की टेक्निकल प्रोफिशिएंसी पर तो देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा है कि वो प्रोफिशिएंट है एमएस ऑफिस में मतलब उसको एमएस ऑफिस बहुत अच्छे से आता है जिसमें एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट आता है इसके अलावा भी अगर आपका कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी है तो उसको भी आप अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में लिख सकते हैं और अगर इसके अलावा अगर आपका कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन है तो आप उसको सर्टिफिकेशन हेड में ज़रूर मेंशन करें दोस्तों टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के बाद फोकस करते हैं पर्सनालिटी ट्रेड्स पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये रिज्यूमे सैंपल उन कैंडिडेट्स के लिए जो कंप्लीटली फ्रेशर हैं और जिनको कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं प्राप्त है वो बेसिकली एक ग्रेजुएट हैं उनके लिए ये रिज्यूमे सैंपल है अब बात करते हैं पर्सनैलिटी ट्रेड्स पर तो देखिए यहाँ पर चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं पहला है एक्टिव लिसनर मतलब जो कैंडिडेट है वो एक एक्टिव लिसनर है वो मतलब बहुत सक्रिय सुनने वाला है श्रोता है हमेशा याद रखिए कि अगर आप कस्टमर केयर एग्जेक्टिव प्रोफाइल के लिए अपना रिज्यूमे बना रहे हैं या भेज रहे हैं तो ये एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आपको बहुत सारे कॉल्स अटेंड करने होते हैं और कई सारी कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन करना होता है तो बहुत ज़रूरी है कैंडिडेट के लिए एक एक्टिव लिसनर होना दूसरा पॉइंट लिखा गया है परसुएसिव प्रसुएसिव वो व्यक्ति होता है जो सामने वाले को अपनी बात समझा पाता है उन्हें राज़ी कर पाता है उन्हें मना पाता है यह बहुत जरूरी ट्रेड है एक कस्टमर केयर एग्जेक्टिव के लिए तीसरे पॉइंट में लिखा गया है इम्पैथेटिक इम्पैथेटिक का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके दर्द को समझता है जो आपसे सहानुभूति रखता है और आपकी तकलीफ को समझते हुए ही आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडेप्टेबल एडेप्टेबल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है तो आप गौर से देखेंगे तो ये चारों पर्सनैलिटी टेट्स बहुत ज़रूरी हैं एक कस्टमर केयर एग्जेक्टिव के लिए और अगर आप इस तरीके के पर्सनैलिटी डेट्स अपने रिज्यूमे में मैंशन में में करते हैं जो आपके जॉब रोल से बहुत मिलते जुलते हैं तो इसका एडवांटेज आपको मिलता है हमेशा रखिए रिज्यूमे में उन्हीं पर्सनालिटी डेट्स को जगह दीजिए जो आपकी जॉब के लिए आपको बेहतर कैंडिडेट साबित करने में मदद करते हैं आइए दोस्तों बात करते हैं रिज्यूमे में अचीवमेंट्स की तो देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में 2021 में फिर उसने मेंशन किया है कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज क्विज कंपटीशन में 2019 में और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसने मैंशन किया है कि उसने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था सोशल साइंस एग्जीबिशन में दो में तो इस तरीके से आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपनी अचीवमेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कंपनी कैंडिडेट हायर करती है तो हमेशा ध्यान में रखती है कि कैंडिडेट के पास में एक साउंड पर्सनैलिटी हो हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपने रिज्यूमे में चीजें मेंशन कर रहे हैं तो अपनी अचीवमेंट्स को जरूर मेंशन करें भले वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो आर्ट से रिलेटेड हो या किसी और डोमेन में हो ऐसा करना आपको एक बेहतर कैंडिडेट साबित करता है क्योंकि आप ये साबित करते हैं कंपनी के सामने कि आप केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं या केवल एकेडमिक्स तक सीमित नहीं है आपकी पर्सनालिटी के कई और पहलू भी हैं आपकी कुछ और भी अचीवमेंट हैं ऐसा मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं और आपके पास में कोई फर्दर सर्टिफिकेशन डिप्लोमा या वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है तो इस तरीके से आप अपनी अचीवमेंट्स को मैंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में दोस्तों अचीवमेंट्स के बाद बात करते हैं पर्सनल इन्फॉमेशन की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपना नेम अपना डेट ऑफ बर्थ अपना लैंग्वेज नोन परमानेंट एड्रेस और करस्पोंडेंस एड्रेस मेंशन कर सकते हैं सबसे नीचे आप मेंशन कर सकते हैं डिक्लेरेशन जिसमें ये मेंशन करना होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो पूरी तरीके से सत्य है मैं उसे सत्यापित करता हूँ नीचे डेट प्लेस और सिग्नेचर का ऑप्शन होता है अब आप में से कई लोग कहेंगे कि इसमें मैंने हॉबीज़ का सेक्शन क्यों नहीं दिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आपका इंटरव्यू कॉल आता है और आप अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वहां पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी हॉबीज के बारे में आप बता सकते हैं इसीलिए इस रिज्यूमे सैंपल में उन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता दी गई है जो ज़्यादा स्पेसिफ़िक है तो दोस्तों इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकते हैं अगर आप एक बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिसके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है कोई फर्दर सर्टिफिकेशन डिप्लोमा या ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और अगर आप इस तरीके से रिज्यूमे बनाते हैं तो ये आपको बहुत मदद कर सकता है और आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकता है